का शोध संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 2020 तक कैंसर के 17,30,000 नए रोगी होने और कैंसर से 8,80,000 मरीजों की मौत की आशंका है। कैंसर का खतरा धूम्रपान, तंबाकू तथा शराब के उत्पादों का सेवन, प्रदूषण के खतरों तथा भारी विषाक्त धातुओं के कारण बढ़ जाता है। सामान्य तथा स्वस्थ कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया संतुलित रहती है। कोशिका विभाजन असंतुलित होने पर किसी क्षेत्र विशेष में भारी संख्या में कोशिकाओं का जमाव होता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन या सामान्य तथा मैलिग्नेंट या असाध्य। बिनाइन ट्यूमर एक विशिष्ट क्षेत्र में कोशिकाओं के समूह का जमाव होता है, जिसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो वह कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। कैंसर होने पर कोशिकाओं का विकास अनियंत्रित तरीके से होता है, जिससे सामान्य या मेटास्टेटिक ट्यूमर होता है। इस स्थिति में समय रहते इलाज न होने पर रोगी की मृत्यु हो सकती है। मुंबई स्थित टाटा स्मारक केंद्र के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर में हुए शोध में सामने आया है कि धूम्रपान या प्रदूषण के अलावा फेफड़ों के ऊतकों में FGFR3 वंशाणुओं में परिवर्तन से फेफड़ों के कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। इस वर्ष चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर अमित दत्त को इसी शोध के लिए दिया गया है। टाटा स्मारक केंद्र के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन में कार्यरत डॉक्टर अमित के शोध में सामने आया कि वंशाणु परिवर्तन के कारण फेफड़ों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर अमित दत्त तथा उनकी टीम ने फेफड़ों में कैंसर से ग्रस्त 363 रोगियों का परीक्षण किया। उन्होंने रोगियों के शरीर में कैंसर ग्रस्त छोटा सा ऊतक निकाला। इस प्रक्रिया को बायोप्सी कहते हैं। प्रयोगशाला में सामान्य प्रक्रिया द्वारा बायोप्सी के नमूने के DNA अलग किए गए। DNA में वंशाणु होते हैं जो प्रोटीन द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं। जब वंशाणुओं में परिवर्तन होता है तो प्रोटीन का क्रियाकलाप असंतुलित हो जाता है। वंशाणुओं में परिवर्तन की पहचान DNA सीक्वेंसिंग के द्वारा की जाती है। DNA बनने वाले अणुओं को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जो चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, जो विशेष क्रम में सजे होते हैं। अगर हम इनकी श्रृंखला क्रम की पहचान कर लेते हैं तो DNA सीक्वेंस की भी पहचान हो सकती है। किसी रोगी के DNA सीक्वेंस की स्वस्थ व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, ताकि इस बात का पता लग सके कि कोई न्यूक्लियोटाइड गायब है अथवा परिवर्तित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या DNA में परिवर्तन है? डॉक्टर दत्त ने पाया कि फेफड़ों के कैंसर के कुछ रोगियों में FGFR3 नामक वंशाणु में परिवर्तन है, यानी इनकी श्रृंखला सामान्य व्यक्तियों में पाए जाने वाली श्रृंखला से भिन्न है। ये वंशाणु एक प्रोटीन बनाता है जो कोशिका विभाजन पर काबू रखता है। जब FGFR3 में परिवर्तन होता है तो इसका व्यवहार असंतुलित हो जाता है तथा कोशिकाएं बेकाबू होकर विभाजित होती हैं। उनकी टीम ने पाया कि PD173074 नामक अणु FGFR3 प्रोटीन की नकल करता है तथा इसके असामान्य संकेतों को प्रतिबंधित करता है। ये चूहों में फेफड़े के कैंसर के आकार में कमी लाता है तथा उसमें कैंसर के विस्तार को रोकता है। We have been able to catalog or characterize all the therapeutically relevant alterations among lung cancer in the Indian patients for the first time. We have generated the most comprehensive map describing these alterations. And while doing so, we made some very interesting discoveries of some novel therapeutic alterations in a gene called as FGFR3. डॉक्टर अमित को विज्ञान की दो शाखाओं में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। नई दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी से वनस्पति विज्ञान में तथा स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से विकासशील जीव विज्ञान में। उन्होंने 40 से अधिक शोध प्रकाशित किए हैं तथा एक पुस्तक के 2 अध्याय लिखे हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल तथा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में समितियों के वैज्ञानिक निरीक्षक हैं। अब वो अपना शोध दूसरे प्रकार के कैंसर में भी विस्तृत करना चाह रहे हैं। कैंसर से जुड़े वंशाणुओं की पहचान से उनका उद्देश्य भविष्य में कैंसर विशिष्ट तथा रोगी विशिष्ट निदान विकसित करना।